अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। एक बार फिर से वेलकम जो कि इन्फॉर्मेशन अपडेट में, मैं हूं आपका होस्ट इरफान। एक लेटेस्ट अपडेट आई है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो नौकरी कर रहे हैं टीचर्स, उनके लिए एक लेटेस्ट अपडेट आई है गवर्नमेंट की तरफ से। क्या है वो लेटेस्ट अपडेट, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। और किन किन स्टूडेंट, मतलब किन किन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये जो ट्रांसफ़र लेटर आई है, क्या इनको ट्रांसफ़र होना है या नहीं होना है, इससे रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट आई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वही हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो उससे पहले, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल रखें, ताकि आप हर एक अपडेट जो है रिसीव करोगे सबसे पहले। फिर चाहे वो जॉब रिलेटेड कोई भी पोस्ट हो या कोई लेटेस्ट अपडेट हो, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप रिसीव करोगे। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है यहाँ पे लिखा क्या लिखा है कि नो ट्रांसफ़र फॉर एम्प्लॉयज़ ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट रिटायरिंग इन द कमिंग टू ईयर्स। जो टीचर, जो एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जिनको अभी 2 साल हैं रिटायरमेंट के लिए, उनको जो है जो ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। ये गवर्नमेंट ने एक आदेश दिया है कि नो ट्रांसफ़र फॉर एम्प्लॉयज़, उन एम्प्लॉयज़ को जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं उनको ट्रांसफ़र ना किया जाए। जिनको अभी 2 साल हैं तो उनको ट्रांसफ़र ना किया जाए किसी और जगह, तो ये उनको ज़्यादा तकलीफ़ ना दे। ये थी, ये लेटेस्ट अपडेट आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बीके सिंह सैड इन, उन्होंने एक मीटिंग की थी, उस मीटिंग में जो वीक ऑफ फरवरी, लास्ट वीक ऑफ फरवरी में की थी, उसमें ये कहा गया कि जो बीके सिंह ने, द एम्प्लॉयज़ हैविंग ओनली 2 ईयर्स रिमेनिंग फॉर रिटायरमेंट शुड नॉट बी डिस्टर्बड। जो जिन एम्प्लॉयज़ को अभी 2 साल है रिटायरमेंट तक, अभी 2 साल है, तो उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, उनको रिटायर, उनको ट्रांसफ़र ना किया जाए एक जगह से दूसरी जगह, उनको ज़्यादा डिस्टर्ब किया जाए। तो बस उनका ये 2 साल है, तो बस उनको अच्छे से ये 2 साल जो है निकलने दीजिए। बाकी ये थी अभी की लेटेस्ट अपडेट, मैंने सोचा आपके साथ थोड़ा शेयर करूं। तो बाकी मिलते हैं अगले किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।